नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्या आपने अपनी कब्र खुद खोद दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, आपने अगर पहली बार लिया है तो उसको जान लीजिए कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। लेकिन मैं आपको आज सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको पूरी बात बताऊँगा, वीडियो को उसके बिल्कुल मत करना। लेकिन उससे पहले, अगर आप घर बैठे कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है, मेरे लिंक से डाउनलोड करना है तभी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रो ऐप में अपना आधार, बैंक की पूरी अपडेट, जो अकाउंट नंबर है वो लगाना है, और अपना पैन कार्ड, तीनों चीज़ें लगा के फुल KYC करनी है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे तुरंत 100 रुपये, वो 100 रुपये आप जो है अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, एक दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे भी 100 रुपये मिल जाते हैं क्योंकि आपने मेरे लिंक से डाउनलोड करके पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया है और वहाँ पे अकाउंट ओपन किया है ग्रो ऐप में, ठीक है। तो मुझे भी 100 रुपये मिल जाएंगे, मैं भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप भी अपने लिंक को शेयर कीजिए, उस लिंक से जितने लोगों को जो है आप अकाउंट खुलवा लेंगे, डीमैट अकाउंट जैसे कि आपने खोला है, तो उसी तरह से आपको पर रेफर 100 रुपये मिल जाता है। आप अपने लिंक को शेयर करेंगे, अब कोई अकाउंट खोलता है तो उसको तो 100 रुपये मिलेंगे जैसा कि आपको मिले थे जब आपने अकाउंट खोला था, और रेफ़र करने के भी रुपये मिलते हैं 100 रुपये। अगर आपने दिन भर में 100 लोगों को रेफ़र किया और 20 लोगों ने भी अगर इतना काम कर लिया तो 20 × 100 यानी कि 2000 रुपये आप घर बैठे कमा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं समय से 100 के 100 लोग जो अकाउंट खोल लेंगे, कुछ लोग खोलेंगे, कुछ लोग आधा अधूरा छोड़ देंगे, कुछ सिर्फ आधार की अपडेट लगाएंगे। जो तीनों अपडेट लगा के पूरा अकाउंट सक्सेसफुली कर लेगा उसी को 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर हमारा नहीं खुला, हमें नहीं मिला, लेकिन आप लोग गलती करते हो, मुझे मालूम पड़ जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ मालूम पड़ जाता है किसने पूरा कंप्लीट किया है, किसने नहीं किया है। जो कंप्लीट कर लेता है तो मुझे 100 रुपये मिल जाते हैं, और जो नहीं करता है उसने कोई ना कोई गलती की है। तो आप गलती ना करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपको तुरंत उसमें हेल्प करूंगा। तो आप इसको आज ही जाकर डाउनलोड कीजिए और जितना हो सके रेफ़र कीजिए, जितना लोग इसमें आपके लिंक से अकाउंट बनाएंगे आपको पर रेफ़र 100 रुपये मिलेंगे। इसमें आगे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप अकाउंट खोल लेते हैं अभी तो आगे मिलेंगे, ठीक है। तो उसको आप आज ही कीजिए तो इसमें आपका बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अगर दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया है, पहली बार लेने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, उसमें आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये एक जानलेवा जो है, खुद की जान लेवा, एक मान लीजिए एक ऐसा हथियार है, खुद की जान ले लेगा वो कैसे। देखिए, अभी क्या है कि क्रेडिट कार्ड इंसान क्यों लेता है, उसको अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के क्रेडिट कार्ड लेता है, उसके बाद समय बचाने के लिए लेता है, कि कैश बचाने के लिए लेता है, कि कैश कौन लेके घूमेगा। आज के टाइम में सारा काम डिजिटल हो गया है, और जो है कैश लेके कौन घूमेगा, कहीं भी शॉपिंग करता है, रिचार्ज करता है, कुछ भी करता है। आज के टाइम में जियो का नेट तो खूब सबको फ्री मिल गया है, तो वो क्या करता है, ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग करना चाहता है, हर काम घर बैठे करना चाहता है, पैसों के झाड़ से बचना चाहता है, चिल्लट जेब में कोई नहीं रखना चाहता। तो क्या सोचते हैं, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो क्रेडिट कार्ड रखते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से अपना सारा बिल वगैरह पेमेंट करते हैं, या लोन की जरूरत होती है तो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, क्रेडिट कार्ड तो कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आराम से। आपका सिविल अच्छा हो और आप कोई अच्छा जॉब करते हो, या आपके कोई भी आप छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो भी आपको आपके अकाउंट के हिसाब से, आपकी हैसियत से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है कि क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 की लिमिट है, मान लीजिए 1,00,000 की लिमिट है, ठीक है। उसमें आपने 1,00,000 की लिमिट को पूरा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 50 दिन के अंदर आपको वो उसका जो है पे करना होता है, जो भी उसका बिल होता है वो पे करना होता है। अगर 50 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो आपको उसमें काफ़ी हैवी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी कोरोना काल में बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड थे, उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में उनका बिजनेस जॉब तो चली गई, उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से अपनी हर जरूरत को पूरा किया, ठीक है। एक साल हो गई है, कई लोग ऐसे हैं अभी तक क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, यानी कि जो EMI भी कह सकते हैं, या जो बिल है वो अभी तक नहीं भरा है। ऐसे में क्या है, अब बैंक वालों ने उन पर बहुत ही ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट लगा दिया है, 50 से 80% तक का जो है हैवी उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं, पेनल्टी समझ लीजिए, चाहे फाइन समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट लगा दिया इतना हैवी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है,
कि अब उनके पास पैसा है नहीं, अब बैंक वाले उनको परेशान कर रहे हैं कि हमारा जो है क्रेडिट कार्ड का ये जो भुगतान करो इसको पूरा पे करो, वो कहाँ से पैसा लाएँ। अब वो एक क्रेडिट कार्ड का पे करने चक्कर में कहीं और से लोन ले रहे हैं, किसी लोन ऐप से लोन ले रहे हैं, किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड को जो है ले रहे हैं किसी और दूसरे बैंक का, उससे पे कर रहे हैं। मतलब उन्होंने एक लोन को पे करने चक्कर में दूसरा लोन ले लिया, तीसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया या कुछ ले लिया। इस तरह से अब उनके पास इतना क्राइटेरिया उनका लोन का इतना बढ़ गया है, उनके 8-10 जगह लोन हो चुके हैं, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं। मैं बताऊं, हाल ही मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उनके पास अब समय 8 क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, एक लोन को पे करने चक्कर में दूसरा तीसरा चौथा ऐसा किया है, 8 बैंकों से वो क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं। तो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम यह है कि अब उनका जो लोन है करीब 12 लाख का हो चुका है, मतलब जो 12 लाख का उनका बिल हो चुका है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, आपको अगर केवल देखा जाए जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो मुश्किल से अगर देखा जाए उनको मिली थी 6 लाख की सबको मिला के, अब उनका पेनल्टी इंटरेस्ट लगा के कम से कम 12 लाख हो गई है। कहाँ से लाएंगे इतना 12 लाख, हो गई ना उनकी कवर, खुद गई ना अपने हाथ, खुद खो दिली ना। ये क्रेडिट कार्ड शौक में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, एक वैल्यू लगती है कि हम कुछ हैं, एक रिच पर्सन है ऐसा लगता है, जबकि असल में देखा जाए वो बहुत गलत चीज़ है, आपको लेना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बेकार है। ये बैंक वाले आपको ऑफर देते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट पे शुरू के 45 दिन फ्री, ये वो ऐसा करते हैं। वो जो थर्ड पार्टी को नियुक्त करते हैं ना, जो दलाल होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो भी ये आपको फ़ोन करके क्रेडिट कार्ड की जानकारी देते हैं, भाई उनको उनका इसमें फ़ायदा है, वो किसी ना किसी तरह से आपको चेपना चाहते हैं। कुछ भी चालाकी करें, कुछ भी करें, आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े चालाक हो, उनसे ज़्यादा चालाक नहीं होंगे, वो आपको क्रेडिट कार्ड को चेप देंगे। ठीक है, और जो चेपता है उसको तो कमीशन मिलता है, ठीक है, उसको तो उसका कमीशन मिल गया, चिपता आप पे है। ठीक है, और कभी ना कभी आप जो है ऐसी गलती करेंगे या आपके साथ कोई ऐसी घटना जरूर घटेगी कि जब आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में या जाल में फंसेंगे। ठीक है, आपने उनका, आप जो है हर महीने उसका पे करते जा रहे हैं, आपने जितना यूज़ किया उसका बिल पे करते जा रहे हैं। अरे अब देख लो ना, कोरोना काल में लोगों की हकीकत निकल के आ गई, कोरोना काल में आ गए ना मुसीबत में। ऐसा नहीं होता है क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो ज़िंदगी आराम चलती रहेगी, भाई कभी ना कभी आप उसकी जाल में जरूर फंसेंगे, कभी ना कभी कोई ऐसी परेशानी जरूर आएगी, ये कोरोना लहर ऐसी आएगी, उसने सबको सबकी हकीकत दिखा दी। तो कहने का मतलब ये, क्रेडिट कार्ड आपको जब लेना चाहिए, जब आपको बहुत ज़रूरत है, अगर ले लिया है तो उसको जब यूज़ करें जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, शौक में हर जगह उसको यूज़ ना करें, क्योंकि जब उसका बिल बहुत बढ़ जाता है, 50,000 की लिमिट है, मैंने देखा है लोगों की 50,000 की लिमिट है, अब 2-2 लाख रुपए उनका पेमेंट कर रहे हैं, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या किया है कि 6,000-7,000 की EMI बांध दिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया है, लेकिन उनको रिलीफ अब भी नहीं है, पूरी मोटी मोटी रकम देनी पड़ रही है, 50,000 की लिमिट और कहाँ 2 लाख रुपये पे करने पड़े हैं, सोचिए कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इतने बड़े लोन को पे करने के लिए एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, चार कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इतना भंडार हो गया है कुछ कहने के नहीं। ठीक है, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, आपको आगे चल के जो है कार्ड भी नहीं मिलेगा, लोन भी नहीं मिलेगा, सिविल पे फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, शौक में मत लीजिए, और लीजिए क्रेडिट कार्ड को कभी ज़िंदगी मत लीजिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 1 लाख की होती है, फिर घटते घटते फिर 10,000-20,000 की रह जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सिविल है इतना लो हो जाता है, तो इसलिए लोन कभी मत लीजिए और क्रेडिट कार्ड तो ज़िंदगी में कभी मत लीजिए। लोन लीजिए तो जब लीजिए जब आपको ज़रूरत हो, मैं नहीं कह रहा लोन मत लीजिए, लोन तो लीजिए लेकिन सोच समझ के लीजिए, और क्रेडिट कार्ड तो कभी मत लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो इसमें बहुत बड़ी आप ही का ही नुकसान है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्रेडिट कार्ड अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, जब ज़रूरत हो तभी लीजिए। मैंने अक्सर अब ये भी देखा है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सी बैंकों को मैंने देखा है कि ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या केस निकल के आ रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या हो रहा है कि वो पूरे आपके मोबाइल का डाटा एक्सेस कर ले रहे हैं, और जब आप उसका बिल पे नहीं करते हैं तो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो हैक करते हैं ना, आपके पूरी फ़ोन की गैलरी को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, मैसेज को हैक कर लेंगे, और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुँच जाती है उस पर आपके रिश्तेदारों पर और जो आपके फ्रेंड हैं उस पर कॉल करके बदतमीजी करते हैं कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है, इसका बिल पे नहीं कर रहे हैं, और आपको बहुत बेइज्जती होती है, बहुत शर्म महसूस होती है, तो ऐसे में आपको जो है पे करना पड़ जाता है। अब ये भी चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक केस मेरे पास ऐसा आया था, तो उन्होंने उसके पूरा जो है डाटा एक्सेस कर लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा उनके साथ बदतमीजी की गई, बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम हुई, तो अब जाके जो है उन्होंने पेमेंट किया है, अब जाके वो रिलीफ में है, तो वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। बैंक वाले भी अब ऐसा कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि पूरा डाटा आपका एक्सेस कर लेते हैं, ऐसी परमिशन नहीं होती है, अगर वो कर लेते हैं, मान लीजिए उसमें ऑप्शन आता है एक्सेस का, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक का एक्सेस नहीं होगा, तब तक का परमिशन अलाउ नहीं करेंगे तब तक का वो नहीं कर सकते, जब परमिशन अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप, तो सारा डाटा उनके पास चला जाता है। ठीक है तो इलीगल,
कल को बैंक वाले ये कहेंगे कि आपने तो परमिशन दी थी लेकिन फिर भी इलीगल है भाई, वो कानून के दायरे में नहीं आता है, ये गलत है। आप किसी की पर्सनल चीज़ को इस तरह से नहीं चुरा सकते हैं, इस तरह से नहीं ले सकते हैं बिना उसकी इजाज़त के। अगर इजाज़त दे भी है तब भी हमारे कानून में, हमारे कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी की पर्सनल चीज़ को इस तरह से जो है शेयर करें या कि जो मार्केट में फैलाएं, किसी की पर्सनल चीज़ को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो भी होती हैं वो कानून के दायरे में अगर हैं तो वो सही हैं। ये लोग जो हैं कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है क्रेडिट कार्ड लें तो सोच समझ के लें, और बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो अपनी जो है हथेली पे जान लेके घूमें, कभी भी आपकी वो जान ले लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने चक्कर में अपने आप को ख़त्म भी कर लिया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं सब इतनी जानकारी इतना जो आपके साथ इतना मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही मेरे दो फ्रेंडों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका समझ लो कि सब कुछ बिकने पर आ गया सिर्फ क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। बहुत लंबी कहानी है, जो मैंने बताया सब कुछ उनके साथ वही हुआ है, बस आपको आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। क्रेडिट कार्ड अगर लेना है तो बहुत जरूर तो तब लेना है, और अगर लेना है तो उसका समय से पेमेंट कर दीजिए तभी लें। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल मत लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद।